बड़ी बड़ी खबर। यूपी में सीरो सर्वे आज से शुरू। एंटीबॉडी जांचने के लिए सीरो सर्वे आज से शुरू किया गया है। 4, 5 और 6 जून तक चलेगा सीरो सर्वे। वायरस के स्तर को जानने के लिए आज से शुरू होगा सीरो सर्वे। तो सीरो सर्वे का कार्यक्रम आज से यूपी में शुरू हो जाएगा, जिसके चलते एंटीबॉडी जांचने के लिए सीरो सर्वे का ये कार्य रखा गया है। वही इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ अभिषेक मनी जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, सीरो सर्वे का जो ये कार्यक्रम है जिसके तहत कोरोना में एंटीबॉडी कितनी बनी है उसकी जांच होगी, किस स्तर पर इसकी तैयारियां चल रही हैं? जी कीर्ति, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण का आंकड़ा जो है 17 लाख के पार हो चुका था, जिसको लेकर 4 जून से सर्वे कराया जाने, 4, 5, 6 तारीख को सर्वे कराया जाने का किया गया था, अभियान शुरू करना था, जिसको लेके सभी 75 जिलों में बारी बारी करके सर्वे करवाया जाएगा। जहां जितने ज्यादा संक्रमण के रोगी पाए गए हैं उन जगहों के क्या कंडीशन है, अब कोरोना कितना हद तक बचाव कार्य किया गया है, उसको लेकर सीरो सर्वे का अभियान चलाया जाएगा। 4, 5, 6 तारीख को यह अभियान चलेगा। कितने लोगों में इसकी सीरो सर्वे की जांच की जाएगी? सभी के लगभग सभी को प्रदेश में 75 जिलों में जो भी लोग हैं उन सभी लोगों के सीरो सर्वे जांच के द्वारा पता कराया जाएगा कि कहां कहां क्या क्या संक्रमण की स्थिति है, कौन सा शहर अच्छे इस समय अच्छे उसमें है जो कोविड से नियंत्रण में है, इसको लेकर के सीरो सर्वे कराने का अभियान शुरू किया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि गोरखपुर जिले के 1408 लोगों के नमूने दे दिए गए हैं। वहीं इसके साथ ही नमूनों का संचालन करने के लिए 10 टीमें अलग अलग इलाकों में लगाई गई हैं, जिसको लेकर पहले भी ये हो चुका है। इसके बाद अब 4, 5 और 6 जून तक सीरो सर्वे कार्यक्रम चलेगा। बता दें, इसमें जांच होगी कि सीरो सर्वे में प्रत्येक टीम में 32 नमूने लिए जाएंगे, जिसमें कोरोना के साथ ही हेपेटाइटिस बी सी का भी पता लगाया जाएगा। और ये तमाम नमूने लेकर KGMU भेजे जाएंगे, जहां पर ये जाँच होगी कि एंटीबॉडी कितनी बनी है और कोरोना का खतरा कितना ज़्यादा है।